हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है उदासीर। मैं हूं बशीर। अक्षय सर सबके दिलों के राजा, मैं कहता हूं बेस्ट एक्टर। फनी के मामले में तो मैं कहता हूं इनसे बेस्ट मूवीज किसी की होती नहीं है। वाकई में काफी लोग हो रहे थे सिंग इज किंग मूवी है इनकी, उसका मुर्गी वाला कोई कॉमेडी सीन है वो लेकर आओ। काफी ज्यादा इसकी यार रिक्वेस्ट आ रही थी, मुर्गी हैन कॉपी मतलब जो भी यार कॉमेडी सीन है चिकन वाला, तो बिना कि कुकड़ी सीन, हाँ भाई कुकड़ी वाला सीन कर लो, हाँ भाई पंजाबी में। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। कैसा सीन होने लगे, हमने मूवी नहीं देखी, तो काउंट करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। आज कोई शराफत नहीं दिखाएगा तो चलती मुर्गी फड़न वास्ते मुर्गी को पकड़, वरना मेरा बेटा टिंकू कुवारा रह जाएगा। लड़की वालों की एक पार्टी मेरे को देखने आ रही है और मेरी बेबे उनको इम्प्रेस करेगी बटर चिकन खिला के। आज बटर चिकन मिल आई तेन। पूरे गांव में इस लफंडर को छोड़ के और कोई नहीं मिला आपको मुर्गी पकड़ने के लिए। ओए मर जा रहे हो, एक मुर्गी तो तेरे तो पकड़ी नहीं जाती और शादी करने चले आया तू। बेबे मैं सोचा कि छोटे मोटे काम के लिए हेती की मदद ले लेता हूँ। मदद ले लेता हूँ, आप देखना मदद के जलवे गाँव को कैसे अनहैप्पी करता है, जरा देखना। कर रहा चट्टी कर रहा। इसने तो नुकसान देखते रहते हो, वो सास बहू वाला सीरियल लगाओ ना। ओए होए होए अभी लगा देते हैं जी। टीवी क्या? ओ हैप्पी क्या नाम हो तेरा? अब किसके लिए संजीवनी बूटी लेने निकला है? सारे तो अब चल रहे हैं। वो हाथे ये नहीं सुधरेगा। बात तो उससे सही बोल रहा था, पूरे गांव में कैसे हैप्पी करता है। बात ही मेरे उठे लोग, पूरा गांव उसने तबाह कर दिया। बटर चिकन नहीं साहब, इतने सारे लोगों का नुकसान मैं कहाँ से भरूंगी? और क्या, ये सारी बर्बादी हैप्पी ने की है। वाह जी वाह, मुर्गी कट गई, मम्मी पट गई, लेकिन सारा बिल मेरे होते। और नहीं कुछ कह रहे हो, मैं तो मदद कर रहा था उसकी। वो किस तरह की मदद पुत्र? आधा गांव तो मिल नहीं रहा। आधा तो मिल रहा है ना, 10 पुराने घर टूट गए तो क्या हुआ, एक नया तो बसने जा रहा है। वाह पुत्र, बातें तो तू बड़ी अच्छी करता है। ताई जी मैं तो सच बोलता हूँ, अच्छी तो अपने आप लग जाती है, लेकिन हर्जाना कौन भरेगा? हमेशा जो देते आए हैं मेरे दादाजी सरपंच चरण सिंह जी, बाबूजी सरपंच, सबके मुंह में पैसे दे मारी है। पैसा मारते मारते एक दिन मैंने ही मर जाना है। बाबूजी दसो जी कितना नुकसान हुआ है? ओए मैं क्या जी, साडा फैसला अभी तक नहीं हुआ। इस नालायक ने हमारे घर में घुसकर हमारा टीवी फ्रिज टेबल कुर्सी सब कुछ तोड़ दिया। और हमें भी पूछी, रात के अंधेरे में मेरे घर चोर घुस आए थे और उनके डर से पलंग के नीचे छुप गए। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये चोर है या घर वाले? फेल दिया सारे परिवार को मैंने, फेल दिया सारे परिवार को मैंने। ओए तू थाने दादा का चोरों को पकड़ने गया था? मदद करने मदद करने दबाही मचा देता है। ओए रंगीले, ओए तेरा तो ये लंगोटिया यार है, तेरा क्या बिगाड़ा है इसने? सही बात है, इस लड़की ने मेरी पूत बुला रखी है, इसके साथ भी कुछ हुआ। उम्र में छोटी नहीं है। छोटी है तो क्या हुआ यार, काबू में रहेगी, तू चक्कर चलाना कुछ। तीन पहलवान गुंडे बनाकर भेज दो, उनकी पिटाई करके लड़की को बचा लो। जमीनगी की हद है प्रीतो जी। आपको छेड़ने के लिए भाड़े के गुंडे रंगीला ने भेजे थे।
मर जाना कुत्ता कमीना। सरपंच जी ये मेरा यार नहीं, मेरा दुश्मन है, दुश्मन है। बस मेरी इंसल्ट कीती है तुसी, हुण मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, बंद करो पंचायत पंचायत। यार टीवी तो उसने मेरा भी तोड़ा है, किश्तों पे लिया था जी टीवी, ये अकेला रिमोट देके रोना निकल जाता है मेरा। पर देखो जी हैप्पी बंदा दिल का बंदा दिल का चंगा दिल का चंगा लेकर भाई बचाया ना। किस्तों पे रिमोट लिया था ये देखो मेरा भी टूटा है। कहते कहता है कि गांव के किसी और बंदे को नहीं बोला था, मतलब जितर गया तबाही तबाही वो सर पे उसके। वो पहले ही रंगीला उसको जो भी यार है ओमपुरी सर कहता वो समझ गया, कहता तुझे पूरे गांव में कोई और नहीं मिला था, बटर चिकन उसके लिए बनाना है, वो खुद मुर्गी नहीं पकड़ पा रहा था। तो भाई उसने पूरा गांव तोड़ दिया, किसी का फ्रिज पता नहीं, किसी की टीवी, किसी की क्या, किसी का घर, कोई नहा रहा था उसको नंगा देख लिया। भाई क्या भाई बंदे ने आग लगा दी, बट के ऊपर फेंक दिए, उनके फोड़ दिए, किसी के ऊपर डंडे फेंक दिए, किसी के ऊपर यार सही बोलता भाई, किसी और शाम तोड़ दी। सबसे बड़ी बात अपने यार को धोखा देगा, अपने यार को कहता है फिर गुंडे भेज दे, बड़े भजन से जा रहा है इसने। हाँ और जाके उनको मार के कहता है इसने भेजे यार, आते वैसे यार मजा आया। फिर रंगीले का बनता था जुल, और फिर वो दादाजी उसके लगता सरपंच है, कहते आप हो ना आप, कहता है इनके मुंह पर पैसे मारो, कहता है वो पहले हमारा, दूसरा कहता है हमारा जो है ना अभी तक नहीं हुआ, कहता है इनके घर आ गए चोर, ये छुप कर बेड के नीचे मतलब घुस गए। तो कहता है मैंने अंधेरे में मुझे समझ नहीं है, मैंने पेल दिया इनको, मतलब उनको मारा है, उनको ही चोर समझ। दादाजी कहता है पैसे देते देते खुद कहीं ना हो जाओ। अक्षय सर की यार जो एक्टिंग है ना माइंड ब्लोइंग है, वो माइंड ब्लोइंग है। और एंड में वो बुर्गी जब वो गिरा तो बुर्गी उसके ऊपर नहीं उछलती रही है, मतलब इतना पहले भागी है यार, वो बहुत नुकसान किया ना यार, बहुत। मैं कहता हूँ कमाल मूवी थी यार, सीरियसली। इसकी गाइस और भी कोई सीन हो तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम जरूर लेकर आएंगे। बिल्कुल, बहुत मजे की यार भाई, बहुत कमाल। और ऊपर से अक्षय सर की एक्टिंग एक लाजवाब एक्टिंग होती यार, है उनकी। आप लोग आप यार खुद बताओ। देखो हाँ। और भी मूवीज अच्छी होती हैं, जो फनी मूवीज में इनकी एक्टिंग होती है उसका कोई तोड़ नहीं है यार, इनकी एक्शन मूवीज तो होती है। मुझे ज्यादा फनी मूवीज, जो फनी इनकी मूवी होती है ना, उस मूवी का लेवल ही अलग होता है, क्योंकि इनके चेहरे जिस तरह वो बनाते हैं ना, जिस तरह चेहरा अपना बनाते हैं ना, उसका लेवल ही अलग होता है। अभी वो आ रही है मूवी, क्या कहते हैं इनकी आ रही थी, उसमें नहीं रखा ना इनको, हेरा फेरी में नहीं रखा ना इनको ना रखा तो यार इनके बगैर वो मूवी मैं तो नहीं देखूंगा भाई। वो सही बात है, बहुत कमाल। कार्तिक आर्यन अपने उसकी प्लेस है, लेकिन यार मैं हेरा फेरी को अक्षय के बिना देख ही बना नहीं सकता, दिल नहीं करता यार। सही बात है। आपको कैसे कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, कैसी लगी आपको ये सीन, और भी सीन जो हो तो सजेस्ट कर सकते हैं अपना। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो यार बाय।